आइसक्रीम खाने और कोल्ड ड्रिंक पीने के अगर आप भी काफी शौकीन हैं, तो जरा सा सावधान हो जाइए, नहीं तो बिहार में अब आपको भारी जुर्माना भी चुकाना पड़ सकता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है, क्योंकि बिहार सरकार के इस फैसले के बाद अगर आपने नियम का पालन नहीं किया तो आपको जुर्माने के साथ साथ जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। तो चलिए बिना टाइम गवाए हम आपको बता दें कि बिहार सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पादों पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिसके लिए पटना नगर निगम ने बकायदा टीम का गठन भी कर दिया है, जो दुकानों और विभिन्न जगहों पर ये सुनिश्चित करेगी कि प्रतिबंधित प्लास्टिक का इस्तेमाल तो कहीं नहीं हो रहा। पटना नगर निगम ने इसके लिए अंचल स्तर पर टास्क फोर्स और धावा दल का गठन भी कर दिया है। वहीं अपर नगर आयुक्त शीला ईरानी को जांच की कमान भी सौंप दी गई है। आपको ये भी बता दें कि आइसक्रीम स्टिक से लेकर कोल्ड ड्रिंक के स्ट्रॉ तक पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है। ऐसे में जुर्माना नहीं देना चाहते हैं तो आपको विशेष सतर्कता अब बिहार में बरतनी होगी। आइए आपको बता दें कि किन किन प्लास्टिक उत्पादों पर बिहार सरकार ने बैन लगा दिया है। प्लास्टिक स्टिक वाले ईयरबड, गुब्बारे में लगने वाले प्लास्टिक स्टिक, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी स्टिक, आइसक्रीम स्टिक, सजावट के काम में आने वाले थर्मोकॉल, प्लास्टिक के कप, प्लेट, ग्लास, कांटा, चम्मच, चाकू, स्ट्रा, ट्रे, मिठाई के डिब्बों पर लगाई जाने वाले प्लास्टिक, प्लास्टिक के निमंत्रण पत्र, 100 माइक्रोन से कम मोटाई वाले पीवीसी बैनर आदि पर 1 जुलाई से बिहार में सरकार ने पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया है। वहीं आपको ये भी जान लेना चाहिए कि सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लागू होने के बाद इसके उत्पादन, आयात, भंडारण और बिक्री को अपराध माना जाएगा। ऐसा करने पर जुर्माना और आपको जेल भी हो सकती है। भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय ने अगस्त 2021 में ही सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर बैन लगाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया था। करीब 1 साल का समय इस उद्योग से जुड़े लोगों को दिया गया था ताकि वे अपने स्टॉक को खत्म कर लें और इसके विकल्प का इस्तेमाल भी करने लगें। वहीं आपको बता दें कि बिहार सरकार ने दिसंबर माह में ही प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन किसी कारण से इसे बढ़ाया गया और इसके बाद ये कहा गया कि 1 जुलाई 2022 से बिहार में प्लास्टिक के उपयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया जाएगा, और वैसा ही हुआ है। 1 जुलाई से प्रतिबंध लगने के बाद सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल करते पाए जाने पर आम लोगों को 500 से 2000 तक का जुर्माना देना पड़ेगा। वहीं औद्योगिक स्तर पर इसका उत्पादन, आयात, भंडारण और बिक्री करने वालों पर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 15 के तहत दंड लगाया जाएगा। ऐसे लोगों पर 20,000 रुपए से लेकर 1,00,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है, या फिर 5 साल तक की जेल, या फिर दोनों ही सजाएं एक साथ दी जा सकती हैं। उत्पादों को सीज करना, पर्यावरण क्षति को लेकर जुर्माना लगाना, इनके उत्पादन से जुड़ा उद्योग को बंद करने जैसी कार्रवाई शामिल है। अगर आप इन सभी सजाओं से बचना चाहते हैं तो पटना नगर निगम ने प्लास्टिक के बजाय इको फ्रेंडली विकल्प चुनने का सभी से अनुरोध किया है। प्लास्टिक की थैलियों के बजाय कपड़े, कार्टन और जूट की थैलियों का इस्तेमाल करने का भी सुझाव सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। बने रहें लाइव सिटीज के साथ। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें।